Good morning, students. Today I am going to explain exercise twelve point five of mathematics from chapter twelve practical geometry. Question, okay, students, students, I have already explained from question number one to five in previous PDF and video. So I am going to start from question number six. With the help of protractor, draw an angle whose measure is one hundred ten degree. Bisect the angle. कंस्ट्रक्ट एन अदर एंगल हुज मेजर इक्वल टू वन ऑफ दिस पार्ट्स मेजर न्यू एंगल फॉर्मड स्टूडेंट्स फ्रेंड यहाँ पे वन हंड्रेड टेन डिग्री का एक, एक एंगल प्रोटेक्टर से ड्रा करना है ठीक है प्रोटेक्टर से वन हंड्रेड टेन डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया उसके बाद उसे विद विद हेल्प ऑफ कंपास कंपास की हेल्प से उस पर उसका बायसेकटर ड्रा करना है ठीक है बायसेक्टर ड्रा कर लिया ठीक है मैंने बायसेक्टर ड्रा करना बताया अभी यह कैसे ड्रा करना है ये इसके पहले कई बार हो चुका है बायसेकटर ड्रा करना मैं बता चुका हूँ ओके देन स्टूडेंट्स बायसेक्टर ड्रा करने के बाद अब जो ये हाफ एंगल ये इसका वन पार्ट जो है इसकी जितनी मेज़रमेंट है उसी की मेज़रमेंट के इक्वल आपको एक और एंगल ड्रॉ करना है ठीक है तो यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद इसको मेज़र करते हैं कि यहाँ से ये कितने एंगल डिग्री होगा कितने डिग्री का एंगल होगा ये ओके और आपको ऐसे ही मेज़र करना है यहाँ पे कंपास रखना है ठीक है कंपास को ऐसे रखते हैं और यहाँ से मेज़र कर लेते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा यहाँ से इसकी आर्क को मेज़र करते हैं बाकी ये एंगल को डिग्री में अभी नहीं माप पाएगा ये सिर्फ पता चलेगा कि कितना आर्क है आर्क की लेंथ क्या है ठीक है और यहाँ पे जब आप यहाँ से एक किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद इस पॉइंट से लेकर उसे यहाँ पे आर्क से कट करते हैं जहाँ पे कट करेंगे उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन करा देंगे जब इस पॉइंट से जॉइन करा देंगे तो आपका सेम मेज़रमेंट का एक एंगल ड्रॉ हो जाएगा ठीक है और ये वन हंड्रेड टेन डिग्री है तो वन हंड्रेड टेन डिग्री का बाइसेक्शन हुआ था तो इसलिए फिफ्टी फाइव डिग्री होगा यह तो आपको फिफ्टी फाइव डिग्री मेजर करना होगा ओके देन क्वेश्चन नंबर सेवन ड्रॉ एंगल ए बी सी इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री ठीक है सेवेंटी फाइव डिग्री सेवेंटी फाइव डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है ठीक है तो सेवेंटी फाइव डिग्री का एंगल हमने क्या करता है प्रोटेक्टर के हाथ से ड्रॉ कर लिया ओके उसके बाद इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है तो लाइन ऑफ सीमेट्री मीन्स उसका फर्स्ट हाफ फर्स्ट पोर्शन जैसा हो या जैसा लाइन ऑफ के राइट साइड हो वैसा ही अदर साइड भी होना चाहिए तो सीधी बात है इसका बाइसेक्शन कर देते हैं जो इसका बाइसेक्टर होगा वो लाइन ऑफ का वर्क करेगा ठीक है तो इसका जो है दोनों साइड पे आइडेंटिकल पार्ट होंगे सेम पार्ट होंगे तो यहाँ लाइन ऑफ सीमेट्री ड्रॉ करने का यह मतलब बाइसेकटर ड्रा करना और इसका बाइसेक्शन कर देते हैं बाइसेक्शन जैसे मैंने बताया तो वैसे ही करते हैं ओके यहाँ से यहाँ से कंपास लेते हैं और किसी भी रेडियस का एक आर्क ले लेते हैं किसी भी रेडियस का एक आर्क ले, ले लेते हैं ठीक है आर्क लेने के बाद यहाँ पे कंपास रखते हैं और फिर एक आर्क लेते हैं फिर एक आर्क लेते हैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं ओके फिर यहाँ पे कम पा सकते हैं और फिर एक आर्क लेते हैं फिर यहाँ से एक आर्क करते हैं दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं और यही लाइन ऑफ बाई होगी या बाई लाइन होगी ओके और ये लाइन ऑफ सिमेट्री का वर्क करेगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव डिग्री एंड ड्रॉ द एंगल ड्रॉ द इट्स बाई सेक्टर ठीक है एंगल वन जीरो फाइव डिग्री जैसे ही ड्रॉ कर कंपास सॉरी एंगल वन हंड्रेड फाइव डिग्री आपको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है और बाइसेक्टर जैसे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बताया कि बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है इसी तरह से बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल क्यू ड्रॉ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू वन फोर्टी डिग्री एंड डिवाइडेड इन टू फोर इक्वल पार्ट्स और उसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको वन फोर्टी डिग्री जो है प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लेना है उसके बाद उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो फर्स्ट आप टू इक्ल पार्ट में डिवाइड करोगे उसके बाद आफ्टर दैट आफ्टर दैट उन टू इक्ल पार्ट्स को टू टू पार्ट में डिवाइड कर दोगे इस तरह से वो फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा मैं फिर समझाता हूँ कि इसको क्या करना है कि पहले वन फोर्टी डिग्री को पहले आप इसको बाई करते हैं इन्होंने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया अब जो ये फर्स्ट अब जो ये बचा पार्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई अब इसको फिर से बाइसेक्शन कर देते हैं इसका बाई कर दिया इसका भी बाई कर दिया तो इस तरह से फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो वन फोर्टी डिग्री को जब फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये थर्टी फाइव डिग्री थर्टी फाइव डिग्री में डिवाइड हो जाएगा ओके यहाँ पे ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ठीक है तो यहाँ पे ये थर्टी फाइव डिग्री एंड थर्टी फाइव डिग्री में डिवाइड हो जाएगा ओके कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन क्लास में पूछिए ओके थैंक यू क्लास